आप सभी का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि हमें एक कॉपर वायर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर बना के दिखाइए, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कॉपर वायर ज्वाइंट करने के लिए हम जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं कैसे बनाते हैं, उसका डाटा वगैरह क्या है, सब कुछ इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहे। अगर आप इलेक्ट्रिक मिस्त्री हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। तो इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए आप सबको सबसे पहले चाहिए एक 3 नंबर का बॉबिन 2 इंची साइज में, और ये चाहिए आपको 3 नंबर का कोर, ई कोर और आई चाहिए आपको जो इसके अंदर आएगी। देखिए 3 नंबर कोर का जो साइज है कि लंबाई में 9.5 सेंटीमीटर और हाइट इसका रहेगी 2.5 इंच, और इसके बीच के जो डिस्टेंस है वो आप देख सकते हो, वो लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास आती है इसका आईडी। तो आपको जो है प्राइमरी वायरिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पे 26 कॉपर वायर चाहिए, 26 नंबर का वायर लेना है 200 ग्राम, और आपको 1 नंबर और 3 नंबर का कुछ स्लिपिंग ट्यूब चाहिए, और इससे कम हो जाएगा। कुछ पेपर वगैरह आपको लेना है 5 नंबर का। तो सबसे पहले इस बॉबिन के ऊपर हमको जो है इस पेपर को लिपटना है, ये 5 नंबर का पेपर है, तो इसके ऊपर एक फुल एक राउंड या 2 राउंड आप इस तरह से लगा लेंगे, इस तरह से पूरी की पूरी कवर कर देना है। तो यहाँ पे पेपर लगा के कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों क्या है कि हम इसके ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग करेंगे, इसका इनपुट वायर जिसमें हम मेन पावर सप्लाई देते हैं। तो इस तरह से एक साइड में एक लूप छोड़ दिया स्लिपिंग ट्यूब डाल के। अब हाथ से अगर आप वाइंडिंग करना चाहते हो तो इस तरह से देखिए आप घुमा घुमा के वायर को इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे, और मुंह से आप काउंट करेंगे इसका टर्न। तो ऐसे ही दोस्तों आपको मुंह से काउंट करना होगा और कॉइल को बनाना होगा और पूरा वायरिंग करना है। तो अगर आप सोचेंगे कि वायर के ऊपर वायर इस तरह से चढ़ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ जो है इसमें टर्न लिपटना है। लेकिन दोस्तों मैं इस तरह से वायरिंग नहीं करूँगा, तो देखिए हमने इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम मशीन से बनाएंगे, क्योंकि हाथ से पूरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ आप इस तरह का मशीन आप यूज़ कर सकते हो, तो इस मशीन से हम इसको जो है बनाएंगे। तो उससे उसी तरह से पहले एक लूप छोड़ देते हैं हम प्राइमरी वायरिंग करने के लिए। अब इसे जल्दी जल्दी से जो है ट्रांसफार्मर बन जाती है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मशीन से, और हाथ से बहुत बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और इस तरह से आपको घुमाना है वायर को, इस तरह से इसमें जोड़ देना है। दोस्तों यहाँ पे जो है प्राइमरी टर्न हमारा लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें हमने देखिए टर्न दिया है 850 टर्न, यानी 850 पाक आपको यहाँ पे देना पड़ेगा 26 कॉपर वायर से, यानी 26 नंबर वायर से। फिर इसका लास्ट लूप जो है वो बाहर निकल जाएगी, और उसके बाद इसके ऊपर हमको क्या करना है, ये टेप लगा देना है ताकि वायर इधर उधर ना हिले। तो इस तरह से आप टेपिंग कर सकते हो। उसके बाद इसके ऊपर जो है आप एक लकड़ी रख के कॉइल को थोड़ा सा नीचे दबा देना, इससे क्या है थोड़ा सा जगह मिल जाएगी, क्योंकि हमें बाद में सेकेंडरी वायर भी डालना है इसके लिए। उसके बाद इसके ऊपर फिर से एक पेपर चढ़ाएंगे आप, और इसको भी फुल एक राउंड देंगे, क्योंकि इसके प्राइमरी वायरिंग के साथ जो है सेकेंडरी वायरिंग टच नहीं होना चाहिए। तो सेफ्टी से इस तरह से कवर कर देना है इसको। उसके बाद इसमें भी हम टेप लगा देते हैं। तो अब यह कंप्लीट देखिए, ये दो लीड जो निकल गए हैं प्राइमरी वाइंडिंग है इनपुट सप्लाई के लिए। अब हमें सेकेंडरी वाइंडिंग करना है, यानी जिसमें हमको स्पॉट वेल्डिंग करना है वो लूप निकालना है। तो यहाँ पे आपको 17 नंबर SWG का जो कॉपर वायर लेना है,
और देखिए इस तरह से इसको हम अब यूज़ करेंगे। तो सेकेंडरी वायर जो आपकी होगी वो साइज में मोटा रहेगी 17 नंबर का, और जो साइड हमने इनपुट सप्लाई निकाला है उसकी बिल्कुल अपोजिट साइड में इसका लूप छोड़ेंगे इस तरह से। अब इसको दोस्तों हम जो है हाथ से इस तरह से वायर को बिठाएंगे, क्योंकि ये मशीन से नहीं होगी, मतलब मशीन से टान नहीं पाएगा, इतना मोटे वायर खींच नहीं पाएगा, और हाथ से जल्दी से हो भी जाएगा क्योंकि इसमें टर्न उतना भी ज़्यादा नहीं देना है, बहुत ही कम टर्न देना है। तो चलिए हम जल्दी से लगा लेते हैं। तो देखिए लगभग हमारा जो है सेकेंडरी वाइंडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें टोटल टर्न हमने दिया है 8 टर्न 17 नंबर SWG से, यानी 17 SWG से हमने यहाँ पे दोस्तों 80 टर्न लगाया है। फिर इसका भी लास्ट में एक लूप निकल गया, सेकेंडरी में टोटल दो लूप निकलेगी और इनपुट में भी दो लूप निकलेगी इस तरह से। और देखिए इस साइड दो इनपुट सप्लाई का लीड है और उस साइड हमारा दो आउटपुट सप्लाई की। अब यहाँ पे इस तरह से लकड़ी से कॉइल को थोड़ा सा जो है बिठा देंगे अच्छे से, क्योंकि जो वायर बिल्कुल सेम सेम है बबिन से। और फिर से यहाँ पे एक पेपर लगाएंगे इस तरह से, और पेपर लगाने के बाद उसके ऊपर और एक पेपर लगाएंगे हम, इसको टेपिंग लगा देते हैं, देखिए हो गया। इसके बाद इसमें 5 नंबर का हमें PVC जो है फ्रेम पेपर लगा देते हैं, क्योंकि ये लास्ट पेपर है तो इसको थोड़ा सा सेफ्टी देना ज़रूरी है ताकि कोर के साथ ये टच ना हो। और इस तरह से हम इसको खोल लेते हैं, ये देखिए कितने अच्छे से कॉइल हमारा वाइंडिंग होकर कंप्लीट हुआ है। ट्रांसफार्मर की कॉइल बहुत अच्छे से जो है कंप्लीट हो चुकी है। और देखिए ये दोनों है हमारा 220 वोल्ट सप्लाई इसमें देंगे, और इस दोनों में हमारा जो आउटपुट सप्लाई निकलेगी, ठीक है। इनपुट से आउटपुट के डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, इस आउटपुट में हमको जो है AC पास लाइन मिलता है, जिसको हम डायोड लगाकर DC भी बना सकते हैं। और देखिए इसके बाद इसके अंदर हमें ये कोर डाल के इसे कंप्लीट करना है, 3 नंबर कोर डाल के इसकी बबिन के अंदर इसे लगा देना है। तो चलिए हम लगा लेते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर जो है हमारा कोर लगा के बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, देखिए और अच्छे से ये कंप्लीट हो गया है। अब देख सकते हो चारों ओर इस तरह से कोर डालने के बाद इसे स्टैंड लगा के कंप्लीट करना है। उसके बाद आप चाहो तो इसको जो है कैबिनेट में फिटिंग कर सकते हो और अच्छे से इसे इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे देखिए हमने इनपुट सप्लाई अब यहाँ पे देंगे, इनपुट सप्लाई दे दिया। अब इसका जो आउटपुट सप्लाई का वायर है इसे अगर आप टच करेंगे दोस्तों, और इसको अगर टच करेंगे तो इसमें शॉक लगने में कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि ये AC पास लाइन है और कभी कभी कम वोल्ट जाती है, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं है। अगर आप डायोड लगाओगे तब ये पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और AC लाइन के साथ इसका दोस्तों डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होती है। इन दोनों से दोस्तों जो है आप वेल्डिंग कर सकते हो, यानी कॉपर वायर को ज्वाइंट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हमने टेम्पोरारी आपको दिखाने के लिए एक कार्बन ले लिया है जो हम टाइस कटर में लगाते हैं, और इसे एक लकड़ी में हटा देकर चिपका दिया। अब इसके अंदर कोई भी एक वायर हम दोनों में से इसको लगा देते हैं। मैं सिर्फ आपको टेम्पोरारी यहाँ पर दिखाने के लिए यह दिखा रहा हूँ, अब बाद में अच्छे से इसको जो है फिनिशिंग करना और अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए अच्छे से दोस्तों जो है ये कार्बन वगैरह लगा देना। तो यहाँ पे जो देखिए एक 35 नंबर वायर लिया हमने, और जो लीड हम लगाते हैं सीलिंग पंखा में उसके साथ इसे ज्वाइंट करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपको पकड़ना है, और देखिए कार्बन को नीचे रखना है और वायर को ऊपर में पकड़ना है, तभी जो है आपका जो स्पॉट वेल्डिंग है ना वो बहुत ही अच्छे से होगी, मतलब जो लास्ट में आपका वायर बिगल के गोल टाइप का हो जाएगा इस तरह से अगर करेंगे तो। ये देखिए ये जॉइंट हो चुकी है, आप देखिए इसका जो जॉइंट है ना कितने अच्छे से बिल्कुल गोल टाइप से हो गया है, बराबर ये वेल्ड हो गया है, इसका जो वायर है इसमें लग गया है, तो इसका जॉइंट बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए हो गया है। अब हम थोड़ा सा मोटा वायर ले लिया है, देखिए आप देख सकते हो यह 27 SWG का वायर है, यानी 27 नंबर का। तो अब इसे हम ज्वाइन करके देखते हैं कि इसको बिगाल के पता है या ज्वाइन नहीं कर पाता है, देखते हैं हम।
तो चलिए अब इसमें भी टास्क करके देखते हैं। और देखिए अच्छे से इसको जो हीट कर रहा है, और इसका जो सिरा देखिए बिल्कुल गोल टाइप का हो गया है। देखिए ये दोनों जो है अच्छे से वेल्ड हो गया है। तो इन वायर को दोस्तों 27 नंबर वायर को भी ये वेल्डिंग कर रहा है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से। अब इससे भी थोड़ा मोटा वायर हमने लिया, देखिए ये 23 नंबर का वायर है। अब चलिए इसको हम लगा कर देखते हैं। और देखिए इसे भी दोस्तों अच्छे से बिल्कुल गर्म कर रहा है। देखिए ये देखिए, और भी दिखा रहा हूँ, देखिए अच्छे से, ये देखिए बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिए ये वेल्ड हो गया, बिल्कुल एकदम बराबर जॉइंट हो गया, ये देखिए है ना। इस तरह से आप इसे दोस्तों कॉपर वायर का जॉइंट कर सकते हो, लीड वगैरह लगा सकते हो। अब चलिए देखिए और भी एक मोटे वायर ले लिया है हम यहाँ पे, ये देखिए ये दोस्तों 23SWG का वायर है, ये देखिए। और इसे भी दोस्तों दोस्तों बिगल रहा है, देखिए कितने अच्छे से एकदम गोल टाइप कर दिया बिगल के, ये देखिए बराबर अच्छे से दोस्तों ये है जो है वेल्ट हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे है ना। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने कार्बन लगाया है उसे आप जो है बैटरी में इस्तेमाल होने वाला सेल को भी लगा सकते हो, बैटरी में जो पेंसिल बैटरी में जो कार्बन होती है उसे इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इस कार्बन को भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ आपको कार्बन होना चाहिए अच्छे क्वालिटी का। और इस ट्रांसफार्मर को आप इस कैबिनेट के अंदर फिटिंग करके अच्छे से दोस्तों जो है वायर वगैरह निकल के इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब क्या है कि आप चाहो तो दोस्तों इस ट्रांसफार्मर के जो चार्जर रूप में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो जो हमने इसको डायोड वगैरह लगा के इसे फुल डीसी करंट में कन्वर्ट करेंगे, अब आपको दिखाएंगे। देखिए डीसी में इसको सेट कर दिया, और यहाँ पे जो डायोड है वो आप लगाएंगे 6 एम्पियर का, हमने जो है 5408 का लगाया है, हमारे पास 6 एम्पियर अभी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज आपका 25 वोल्ट निकल रहा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों वो 24 वोल्ट का है और 5 एम्पियर का है, तो यहाँ पे 25 इसका डीसी वोल्ट निकल रहा है, और ट्रांसफार्मर हमारा 24 वोल्ट का है 5 एम्पियर का। तो आप जो है 6 एम्पियर का डायोड इस्तेमाल करके इसे जो है 24 वोल्ट का बैटरी भी चार्ज कर सकते हो इसी ट्रांसफार्मर से, 24 वोल्ट का 24 एम्पियर का बैटरी इसमें चार्ज कर सकते हो, और इसे आप चाहो तो वेल्ड भी कर सकते हो कॉपर वायर को, बहुत सारे काम आएगी। और भी कोई दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, और नहीं तो आप मुझे पर्सनली जो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।